चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp पे किसी को भी आप मैसेज उसके नंबर को बिना सेव किए हुए उसे मैसेज कैसे कर सकते हैं, उसे अपने कॉन्टैक्ट में बिना सेव किए हुए उसे मैसेज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें इसके लिए अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। हम सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में चलते हैं। हमारा प्ले स्टोर ये रहा, हम प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में हम पहुँच गए हैं और हमें सर्च बार में जाके यहाँ पे लिखना होगा व्हाट्स मी। आता है व्हाट्स मी, हमें व्हाट्स मी में जाना है। व्हाट्स मी क्लिक करना है, व्हाट्स मी सर्च करना है। यहाँ व्हाट्स मी आ रहा है और ये आप ऐप आ गया है। इस ऐप को हमें ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। मीन्स हमने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। आप नए आएंगे तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने हेलो वाला ऑप्शन मांगेगा। एक मतलब सभी आपको सारे उसके इजाज़त देना पड़ेगा, मतलब सब चीज़ अलो करना पड़ेगा उसे। लोकेशन कॉन्टैक्ट्स ऑल चीज़ अलो करना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी का भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए, जैसे हमें किसी का व्हाट्सएप नंबर चाहिए और उसे मतलब किसी के भी व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है और उसे हमें सेव नहीं करना है, उसकी टेम्पोरी यूज़ के लिए है, तो हम उसका पहले हम कंट्री कोड देंगे। यहाँ लिखा है हुआ है फ़ोन नंबर इंक्लूड कंट्री कोड, मीन्स हम पहले कंट्री कोड लिखेंगे, उसके बाद जो फ़ोन नंबर पर हम मैसेज करना चाहते हैं उस फ़ोन नंबर को लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी का नंबर सेव करके नहीं रखते हैं, उसका नंबर हम लिखते हैं पहले कंट्री कोड में। हमारे कंट्री का कोड तो 91 है, हम लोग जानते हैं कंट्री कोड 91 हो गया। इसके बाद हम जिस बंदे को मैसेज करना चाहते हैं उनका उसका फ़ोन नंबर देंगे। अब हम फ़ोन नंबर देते हैं, ठीक है। खुल जाएगा तो हम इसको ऐसे मैसेज कर सकते हैं। जैसे हम टेम्पोरी यूज़ के लिए, मतलब ये सिस्टम फंक्शन को हम टेम्पोरी यूज़ के लिए कर सकते हैं। टेम्पोरी यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को।